मैं जा रहा हूँ तेरी चाय बनाने, 5 मिनट मारी है ठीक है, तू बस गुस्सा मत करियो। हाँ मम्मी मारो, सुबह सुबह आके यार इंस्टाग्राम ने इसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया क्यों? अब मम्मी और सैंडी जा रहे हैं बाहर और मैं जा रहा हूँ मम्मी को गाड़ी तक बिठा दे। आज तो आज शिकार हाथ आ गया। गुड आफ्टरनून गाइस, तो मैं जा रहा हूँ अब मॉल ऑफ इंडिया अकेला और अपनी इस फेवरेट कार में। मुझे बहुत कम चांस मिलता है इसको लेके जाने का, मोस्टली पापा के साथ रहती है। अब आज मिली, अब इसको लेके जाऊँगा भगाता हुआ। गाइस ये है वो शूज़ जो मैं लेने आया हूँ मॉल, स्पेशली रनिंग शूज़। ये A6 का जेल के आनो 30 मॉडल है और ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो गाइस मेरी छोटी सी शॉपिंग हो गई है डन, अब मैं जा रहा हूँ वापस घर क्योंकि हमें फैमिली डिनर पर जाना है आज, तो मुझे टाइम से पहुँचना है। मैं जा रहा हूँ ना रनिंग करने। तुम दोनों रेड और ब्लू क्यों बनी हुई हो भाई? लड्डू ये सैंडल कॉस्ट्यूम कॉन्डी का पहना है और ये कोई भी कॉस्ट्यूम कॉन्डी में इसमें फिट आला। अच्छा चलो लड्डू, लड्डू तू शिनचैन लग रही विकी है तो हां तो मैं बोले आती हूं तुम्हारे। ठीक है ये शिनचैन है, ये शिनचैन मम्मी के व्लॉग बनाएगी। मम्मी के फोन से फोन लेके जा रही हो या नहीं? अरे अरे फोन है आपका? तो फोन लेके जाओ। बनाएगी मम्मी का, मम्मी थोड़ा डांट दो। करीब है नहीं, करीब है नहीं, करीब रही मम्मी ने। चलो गाइस हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं डिनर करने, मैं घर पे हूँ, मैं घर पे रखाऊंगा ऑस्कर शीरो के साथ और मैं जा रहा हूँ रनिंग करने। आई खुशियां कहाँ गई खुशियां? हाँ अपने टाइटल बता रही हूँ, ब्लॉग चेक कर लिया मैं या नहीं? कर लिया ब्लॉग चेक करना? नहीं तू कर लिया बाद में। नहीं मैं कैसे कर लूँ? अरे कर लिए। बाय सबको। हेलो गाइस, तो पूरी फैमिली के लिए डिनर पे और मैं रनिंग करके वापस आया हूँ और आज मैंने फुल ब्लैक पहने हुए हैं और ये वो नए शूज़ हैं जो मैं आज लेके आया हूँ रनिंग के लिए। तो आज पहन के आते ही मैंने इनमें रनिंग भी कर ली, बहुत मज़ा आया भाई। गुड मॉर्निंग पैट्रिक, कैसा है आंटी? लड्डू मैं जा रहा हूँ तेरी चाय बनाने, 5 मिनट मारी है ठीक है, तू बस गुस्सा मत करियो। मेरे को जाना नहीं है ऑफिस, जल्दी जल्दी 5 मिनट मारी। हां मैं तेरे को एक वो दिया यार, एक QR कोड होगा, QR कोड स्कैन कराना। अच्छा अच्छा मतलब मुझे तो नहीं करना ना? नहीं। अच्छा ठीक है। आंटी मेरी चाय की तैयारी हुई या नहीं? ये मैंने रख दिया। अरे ये एक है तो खाली, तुम तो मैं ना बात टेंशन ले रही हूं। दूध दो छोटा, तू आज मैंने पहली बार कोई जिम्मेदारी का काम करता देखा है। हाँ कि नहीं? ये किसके पैक हो रहे हैं और मेरे क्यों नहीं हो रहे? कहीं पे जाने, मैं जाऊंगा आज मूवी देखने जाऊंगा, मैं तो मूवी के बीच में खाऊंगा पराठे कुछ भी। और मेरी चाय का वेट मेरे से भी ज्यादा इसको है, यहीं आके खड़ी होगी टाइम से। तू जा ना, मैं पहुंचा दूंगा तेरे रूम में, जा तू, तुझे भरोसा नहीं है कि मैं सारी पी जाऊंगा? गाइस आपको कुछ दिखाता हूँ, टाइम हो रहा है 10:05 और अभी देखना मेरा रूम गंदा पड़ा है, मैं कब का उठ गया साफ नहीं हुआ और क्यों साफ नहीं हुआ वो मैं दिखाता हूँ। एक ये आलसी, ये बेड से नहीं उठ रहा और दूसरा ये तो महालसी है, ये देखना बस यहीं से। अच्छा अच्छा अरे अरे तो उठ के दिखा रहा है, कह रहा है मुझे बदनाम कर रहा है बिना बात। सो जा, जब तक ये सोता है ना मैं अपना रूम साफ नहीं होने देता क्योंकि फिर इन्हें उठाना पड़ेगा, बेड शीट दोबारा से बिछेगी। अब इनके चक्कर में ना मेरी बहुत लेट सफाई होती है, पर कोई नहीं मेरे बच्चे हैं दोनों। हाँ मम्मी मारो, सुबह सुबह आके अरे ला के दे रहा है वापस। मम्मी का नुकसान मत करा यहाँ, पता है मम्मी की स्टाफ की सैलरी पाई डलवाते हैं। और ये क्या बोल रहा है मम्मी, पता क्या हुआ? नहीं मतलब मम्मी के जो एडिटर है ना उनकी सैलरी डालते हैं पाई। हाँ। तो पाई बोले उनकी सैलरी आ गई है। हाँ। मैंने कभी वापस कराऊंगा, तो पाई बोले क्यों? फिर पाई को तुम याद आया, बोले हाँ यार उनकी सैलरी मैं दे रहा हूँ उसको तो ये देगी। तो मम्मी ने चप्पल उठा के मारी, पाई आ गई। एक और मारो, ये नहीं मैं क्यों दूंगी, 3 जने मिलकर देंगे। बात तो सही है, 10-10 देखिए तू भी है 10 में, वो सारे सेंड देगी। आ जा सैंडी आई इधर आ, तू वो एक नया काम मिल गया आज से। हाँ एक करण ने नई काम करा दिया, अनिकेत भैया को सैलरी तू देगी। मैं क्यों ये देंगे ना जी भाई? पूछ इससे क्यों, क्या एक सेकंड भाई आया इधर आ। ये मैं तेरे लुक देख के समझ गया, अभी तो तू ऑफिस जा रही है, ये तूने जैकेट डाल ली,
और फिर हमारा मूवी का प्लान है तो तू मॉल में उतार देगी, है ना? मॉल में ऐसे ही आएगी तू, वरना हम तो मूवी नहीं दिखाएंगे अपने साथ। और ये मैंने चाय बनाई, जल्दी बता कैसी है। ओके पहले मैं तो पी लूं। पानी एकदम पानी की तरह ठंडी मैंने बना कर रखा है, ठंडी मत करना। मैंने नहीं करी, तो रखी रखी हो गई यहाँ पे, कब से रखी हुई है, तू आई नहीं। ले 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 ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है, अभी मेरे सामने रखी है। तो गर्म करवा फिर, मेरी गलती तो नहीं है, मैं तो बना के रखे आया था, मैंने बता दिया दीदी की ज्यादा गर्म ठंडी नहीं करनी। थैंक यू लड्डू। आओ इस बात में एक तो करना पड़ेगा ना। क्या? एक किस लेनी पड़ेगी ना मुझे। मेरे मुझे देगी? हाँ। ये किस है, ये पू किस? पू किस? मैं भी ये पू पू ब्रदर किस? और गाइस जाके इसके फोटो पे जल्दी पू और लड्डू दीदी कमेंट करो। क्यों? तू है भाई ने बोला करने का तो करने का। तू आराम से ऑफिस पहुंच जा, जब तो तू ऑफिस पहुंचेगी ना तेरे पास मूवी का टिकट भी आ जाएगा पक्का। इतना झूठ भाई, इतना झूठ। जवान का नहीं भेजा था मैंने तुझे टिकट। आ जा आ जा, तू हाथ दे मुझे अपना, आ जा। मेरा मेरा छोटा सा बच्चा गुस्सा हो रहा है, इसको नन टू देखनी है। मैं अपना बैग भी लेके जा रही हूं, इसको मुझे भूल गया। और पता है जो भी नन टू मूवी देख रहे हैं ना, नन उनके साथ वापस घर आ रही है, तेरे पास सोएगी अब रात को वो। तू BMW में जा रही है? अच्छा वो रही है इसकी क्यूट सी गाड़ी। चलो लड्डू चलो 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 चलो, रुक जा तेरे गेट मैं खोलूंगा, तुम मत खोलियो। जाओ 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 लड्डू मैम, जाओ। लंच आ गया लड्डू तेरा, बाय। और किसी लड़ी हो मत, खाएगी ऐसे ही आई हो मॉल तक। अब मम्मी और सैंडी जा रहे हैं बाहर, और मैं जा रहा हूँ मम्मी को गाड़ी तक बिठा दे। आज तो आज शिकार हाथ आ गया। पता है कमरे में ऐसी देखने चली गई, कमरे की कर क्या रहा है। और मेरे बैग टंगा देखा, मैंने बैग टंगा देखा, मैं चल दिया पीछे पीछे। तो ब्लॉग मेरी चल रहा, तू तो बस यहीं गाड़ी तक छोड़ता रहा। अरे पापा छोड़, सैंडी देखियो इधर। अरे सैंडी को छोड़, बस मैं ज़ूम कर रहा था गालों पे, मैं छोड़ने जाता हूं। चलो मम्मी तो तू अंदर चल, तू जा देख, मैं और करन तो चुप जाएंगे नन टू देखने। चल और दीदी को भी बुला लेंगे। हां यहीं दे दो, क्या गर्मी में मुझे लेके जाओगी बाहर? चलो गर्मी क्या, कहीं भी चला जाएगा तू तो। ये माथे पे इतनी सरबट क्यों डाल रखी है गुस्से में? पैसे मांग रहा है, लाओ चैलेंज वाले पैसे नहीं ले ले। ओए चोर, ले पकड़, चैलेंज वाले नहीं पकड़ लिए। चलो जाओ बाय, ख्याल रखना। A few moments later, इधर आ लड्डू, इधर आ। मेरे बच्चे को क्या हुआ, दिख रही हो यार? इंस्टाग्राम ने इसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। क्यों? मेरा क्यों कर दिया? अभी गाड़ी से उतरती रोती हुई आई है। गर्ल्स सब जाके इंस्टाग्राम वालों को सही कर दो, उन्होंने आपके पू दीदी का अकाउंट हटा दिया। अब कहाँ पे पू और लड्डू दीदी कमेंट करोगे? क्यों? कुछ रीजन भी नहीं। ये है गाइस मेरे अपार्टमेंट की बालकनी, वो माउंटेन्स, माउंटेन व्यू। अब भाई ये तो हॉस्पिटल व्यू भी है यार, यहाँ भूत वूत तो नहीं आएंगे रात को, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये देखना ये हॉस्पिटल है, कितने पास में है ये। ओ भाई ये रात को भूत वूत ना जाए। और ये पेड़ है, पेड़ पे ना मेरे को बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है, आप लोग भी देखो ये। पर ये जगह बहुत शांत बहुत प्यारी है भाई, यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगता है। मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैं अप्रैल में आया था ना, बताया था व्लॉग में, दोबारा मुझे थोड़ा रेस्ट लेना होगा, सिटी से दूर जाना होगा, तो मैं यहीं आऊँगा भाई। मैं चला बाहर, ये है मेरी बिल्डिंग, और बाहर निकलती है फूड कोर्ट, 7-Eleven है भाई, KFC। और ये शांति भरा शहर, यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक व्रैफिक कुछ नहीं है। तो जैसे बैंकॉक में टैक्सीज होती हैं चेंग माई में, ये है, ये रेड कार ये यहाँ की टैक्सी है, जैसे जंगल क्रूज वाली होती है ना वैसी। तो गाइस ये बैठा हूँ मैं यहाँ की टूरिस्ट टैक्सी में, वैसे बता रहा हूँ जंगल क्रूज में होती है वैसी। और गाइस मैं मॉल पहुँच चुका हूँ, ये देख सकते हो मॉल। और भाई हर जगह से माउंटेन व्यू आ रहा है यार, देखो पूरे पहाड़। A few moments later. तो गाइस मैं अपने नए रूम में आ गया हूँ। अब मेरे को पहले यही रूम बुक करना था, बट ये कल अवेलेबल नहीं था, तो कल मैं दूसरे रूम में रुका। आज ये जैसे अवेलेबल हुआ मैं यहाँ सबसे पहले आ गया सुबह सुबह। तो ये डोर है, यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्री करते ही ये मिरर है यहाँ पे, और मिरर के बाद अच्छा थोड़ा तो आपको मिरर में दिख गया होगा कैसा है। तो ये है एंट्री, इधर TV है, वो किचन, इधर सोफ़ा। मैं मोस्टली सोफे पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, वहाँ तो मैं जाता हूँ बस सोने के लिए। इधर मेरा टैबलेट है जिस पर मैं यूट्यूब चला रहा हूँ बहुत देर से।
ये डाइनिंग टेबल जिसका पता नहीं क्या काम है क्योंकि मुझे आता था बेड पे खाने की। और ये मैंने आती है उधर अपना बैग और उधर अपनी वो कैप रख दी है। ये रूम से व्यू बहुत अच्छा है, कुछ भी कहो बहुत सुंदर व्यू है यार। और ना ये एयरपोर्ट के पास है तो यहाँ से अभी तक मैंने लगभग 5 प्लेन चले गए हैं पिछले 20 मिनट में। आप ये व्यू देखो यार, इतना मैंने सिर्फ इस व्यू के लिए ये बुक करा है। अब वो पहाड़ देखो, माउंटेन्स देखो, और ना मेरे को माउंटेन्स में जाना है, मैं कल का सोच रहा हूँ माउंटेन्स में जाऊँ। यहाँ पे जिप लाइन में बहुत सारे एडवेंचर्स हैं माउंटेन में, और बातों से भी बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। ओ अभी तो मैंने सारे कर्टेंस गिराए हुए हैं। अच्छा खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये आपका बाथरूम से व्यू है, माउंटेन व्यू एंजॉय करते हुए आप शावर ले सकते हो, पर बाहर के लोग भी आपका व्यू एंजॉय कर पाएंगे। ये गड़बड़ है बाबा।